जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग BPSC 67 के री एग्जाम को यहां पर डिस्कस करेंगे, री एग्जाम पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे टेलीग्राम पर लिंक है जहां पर आपको ये सब दिया गया है, यहां पर आपको ज्वाइन करना। हमारे टेलीग्राम लिंक पे आपका BPSC_notes_nayak हो जाएगा। तो ये आपका टेलीग्राम लिंक है। और हम यहाँ पर CHC को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जनरल स्टडी का पेपर है। और जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम को सर्च कीजिएगा तो हमारा ये आ जाएगा, आपका BPSC आएगा, आंसर राइटिंग ग्रुप आ जाएगा, बक्सर क्लासेस हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेंबर जो है जुड़े हैं 13,000 के आसपास मेंबर जुड़े हुए जो कि आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डे 1 से लेकर डे 85 तक हो चुका है और आप वहाँ से कुछ हेल्प ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने में। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए वहाँ पर और आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज सिस्टम कहाँ पर नहीं है? तो मेघालय में नहीं है, आपका नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। इस हिसाब से आपका आंसर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर नहीं है? तो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रत्येक राज्य में लोक सेवा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो आपका 2026 तक रोक दिया गया है। कब तक रोका गया है? तो 2026 तक रोका गया है। नेक्स्ट है यार, सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान का अंतिम विवेचक है। सही बात है, यहाँ पे संघीय न्यायालय कह सकते हैं, जैसे संघीय न्यायालय तो नहीं है आपका, यहाँ पे मानव अधिकारों का संरक्षण भी नहीं कर सकता, करता है संरक्षण करता है, यहाँ मान के चल सकते हैं, इसको भी मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ई हो जाएगा। फेडरल कोर्ट जो है यह भारत का फेडरल कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, ये गलत हो जाएगा। देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर जो आंसर होगा आपका एक ये हो जाएगा, चाहे ऑप्शन ई पे जाएगा BPSC। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेडरल कोर्ट नहीं होता, नहीं है, और सिविल न्यायालय नहीं है, तो मानव अधिकारी का संरक्षक हो सकता है। क्योंकि अब मैं सोचा कि यहाँ पे क्या जाएगा, इसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन किस लिए है? तो ह्यूमन राइट कमीशन किस लिए होगा? तो ये आपका मानव अधिकारों का संरक्षण के लिए ह्यूमन राइट कमीशन है। अगर ये मान गया कि ह्यूमन राइट कमीशन के अग्री हो गया, लेकिन लास्टली कहाँ पे जाता है? तो लास्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर जाता है और सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देता है। तो उस हिसाब से क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ई चलेगा, नहीं तो आपका ऑप्शन ए के साथ जा सकता है, संविधान का अंतिम विवेचक है, तो ऑप्शन ई। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई पे जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ए भी अप्रोप्रिएट यहाँ पे ले सकते हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप ऑप्शन ई पे जाइए। नेक्स्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन ई पे जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट है, तो लेकिन बहुत सारे यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई पे चलते हैं, क्या पता एक गलत हो जाए, इनमें से कोई भी सही हो सकता है। नेक्स्ट है, पंचायत की वित्तीय स्थिति को समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो राज्य सरकार क्या जो है पंचायतों की विधि वित्तीय स्थिति के लिए क्या क्या डिनोट करेगा? तो यही होगा वित्त आयोग हो जाएगा। क्या जाएगा? वित्त आयोग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन करा है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? जब भी उद्देश्य पूछेगा किसी भी प्रोग्राम का, तो आप ऑप्शन ई पे जा सकते हैं आसानी से, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन और आर्थिक विकास और मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ पे 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो निर्वाचन मंडल में कितने हो जाएंगे? तो 243 आपका, 245 आपका राज्यसभा से, और 543 हो जाएंगे आपके लोकसभा से। कितना हो जाएगा? 788 आ जाएंगे। तो 245 हो जाएंगे आपका कहाँ से? राज्यसभा से, और 543 हो जाएंगे लोकसभा से। तो ये आ जाएगा आपका 788, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 788। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? तो पात्र होते हैं आपके अनलिमिटेड टाइम्स, कितनी बार भी अनलिमिटेड। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः जो होते हैं 3 सत्र होते हैं, कितने होते हैं? 3, इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधि आयोग कौन है? तो ये हैं आपके MC शीतलवाद हो जाएंगे, MC शीतलवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, यदि एक राज्य एक चुनाव में कानून लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो है ये आपका सेंट्रल स्टेट लेसन में ये 246 हो जाएगा, तो इसमें तो करेगा 83 में भी कर सकता है और करेगा, और आपका 172 में भी करेगा। तो और 356 क्या होता है आपका यहाँ, ये तो इससे समझ सिंपल था आपका, आपातकाल से हो जाएगा, 200 जो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रोल से, तो इसमें तो कोई कुछ होगा नहीं। तो बाकी BCD इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई पे हम लोग जाएंगे, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम लोग, तो विच स्टेट डज नॉट हैव ए पंचायत सिस्टम? पंचायत सिस्टम कहाँ पे नहीं है? तो मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम नहीं है, मैंने नागालैंड लगाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इंटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा इज डन बाय द डेलीमेशन कमीशन, दिस डेलीमेशन हैज द फ्रीज टिल विच ईयर? तो कितने कब तक के लिए फ्रीज कर दिया गया? तो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट इज, सुप्रीम कोर्ट क्या है आपका? यहाँ पे फाइनल इंटरप्रेटर है
तक और तो कॉस्ट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करें यहाँ पे ऑप्शन ई पे जा रहे, तो मैं भी चलता हूँ ऑप्शन ई पे, ठीक है। तो ऑप्शन ई पे जाइए। फिर यहाँ पे आपका रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, देखिए पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए क्या क्या निर्माण करेगा, तो फाइनेंस कमीशन निर्माण करेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो यहाँ सारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रल कॉलेज फॉर द 16th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर, कितने मेंबर होते हैं, तो 788 मेंबर होते हैं, बता दिए 545 और 243। नेक्स्ट है द 543 और 245 द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन कितने बार, तो एनी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे जनरली जो है हाउ मेनी सेशन दे होते हैं, तो 3 सेशन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे पहले लॉ कमीशन कौन है भारत के, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो MC शीतलवाड़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफ वन नेशन वन इलेक्शन टू बी रियलाइज इन इंडिया विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड, तो मैंने तो ये लगा दिया था लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन ई पे जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा चेंजेस हो रहा है तो एक से अधिक आर्टिकल में संशोधन हो सकता है, मेरे को ये दिमाग वहाँ पे नहीं चला, तो मेरे को बाहर निकला तब पता चला कि हाँ हो सकता है कि एक से ज़्यादा में अमेंडमेंट करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था, तो 2018 में था 1.7 था, कितना था 1.7, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना था, तो 109 मिलियन टन था, गेहूं का उत्पादन जो था 109 मिलियन टन था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में क्या सही चयन करना है, तो जीवंत ग्राम जो है आपका यहाँ पे या बिहार के सड़क संपर्क यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, या उत्तरी सीमा पे, ये आपका बॉर्डर पे था, या उत्तरी सीमावर्ती गांव के लिए विकास के लिए था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन सा है, तो गलत कथन है आपका बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 नहीं था, यहाँ पे इतना नहीं था, 2.3 यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे है प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे प्राथमिक, यानी आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक होगा, तो कितना गया था 2.3 गया था, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, तो यहाँ पटना है, फिर जो है नालंदा मुंगेर में कहाँ पे हुआ था, सबसे ज़्यादा मुंगेर में हुआ था, तब जाके नालंदा में हुआ था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना होने का अनुमान था, तो 3.47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.47। नेक्स्ट है यह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा नहीं था, तो 7 निश्चय भाग 2 का हिस्सा क्या नहीं था, तो आपका हर खेत में सिंचाई ये था, सभी के लिए वायुमार्ग ये नहीं था, फिर यहाँ पे युवा शक्ति बिहार की प्रगति था, और सशक्त महिला सक्षम मिला था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एटी कर रहा है यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम है, यानी घटते हुए क्रम है, तो सबसे कम कहाँ पे जाएगा, जो सबसे कम रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा, सबसे कम जहाँ पे आपका प्रति व्यक्ति आय जहाँ सबसे कम रहेगा वो आपका सबसे लास्ट में रहेगा, और सबसे कम किसका है, शिवहर का है, तो यहाँ पे शिवहर सबसे लास्ट में, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे शिवहर सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो मैंने देखा था कि शिवहर सबसे लास्ट में, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी को मारो बिना सोचे समझे, ये आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ल्ड एक्सपोर्ट में कितना परसेंट दिया था, तो मैं 1.3-1.7 में कंफ्यूज था, तो मैंने 1.7 नहीं लगाया, तो यहाँ पे 1.7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन इंडियाज एज पर 4th एडवांस एस्टिमेट इन द 2020-21, तो यह जगह आपका 109 मिलियन टन, इन दोनों में कंफ्यूज था, तो 109, देखिए मेरा हमेशा यही होता है कि जब भी मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज होता हूँ ना, तो मेरा गलत वाला ही लगता है। आप यहाँ देख लीजिए, अभी आगे भी लगेगा, अभी मैं दिखाऊंगा अभी बहुत कुछ, मैं इन दोनों में कंफ्यूज था, 1.3 लगाया, गलत हो गया, फिर मैंने यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूजन था, मैंने ये लगा दिया, ये भी गलत हो गया, तो देख सकते हो क्या लग कितना ख़राब है। फिर यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था, यहाँ पे आता है इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया, तो मैं अपने अनुसार चलाता है कि कोई भी आपका प्रोग्राम दे तो मैं ऑप्शन ई मारता हूँ, तो यहाँ पे देखा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, तो मैंने ऑप्शन ई लगा दिया बिना सोचे, क्योंकि मैं प्रोग्राम तो पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि BPSC में जो भी प्रोग्राम आता है वो आपका 90% क्या होता है, वो आपका ऑप्शन ई जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ई नहीं गया था, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी गया है, तो होता है कभी कभी गलत हो जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बोल रहे हैं लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2.8% लग गलत है, ये तो सिंपल सा इकोनॉमिक सर्वे का था, आपका डाटा आराम से बन सकता था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है वहाँ पे, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्वेश्चन 15 करा है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं यहाँ भी था पटना, देखिए यहाँ पे मैं कंफ्यूज हुआ, यहाँ भी गलत हो गया मेरा। यहाँ पे क्या था, पटना था। अब मैंने सोचा कि नीतीश कुमार का जिला है तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने ये लगा दिया और ये वाला गलत हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके था तो GSDP बिहार का इतना था, 3.47 था, यहाँ पे इसका ए हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा था कौन सा, इनमें सात नहीं छः पार्ट टू में नहीं था, एयर वे टू एवरीवन ये नहीं था। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कहा था कि कौन सा पर कैपिटा डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कौन सा असेंडिंग है, कौन सा डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग जो होता है सबसे ज़्यादा जो रहता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो वो पहले आता है, और सबसे कम जहाँ रहता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो मैंने बस एक ही चीज़ देखा कि सीहोर कहाँ पे, तो सीहोर सबसे लास्ट में किस में, तो मैंने देखा यहाँ नवादा है, यहाँ किशनगंज, ये होगा नहीं, सीहोर यहाँ पे आता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ पे सीहोर सबसे लास्ट में था, और यही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल था। यहाँ पे मैं बता दूँ फिर से कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है चल रहा है, और bpsc.notes.nayak जो है यहाँ पे day 1 से day 85 तक हो चुका है। वहाँ का आंसर आपको सबमिट कर दिया गया, आप वहाँ से आप उसको हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 है आपका, 90 नंबर। ये क्या है, NSSO के 68 दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य नहीं है। अब इसका ऑप्शन बी यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि कौन सा सूक्ष्म उद्योग को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। तो ये जो है सिंपल सा है, तो कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे है, यहाँ पे 1.5 करोड़ दे रहा है, तो ये तो 1.5, तो ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और 5 वर्ष का ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, और ये जो है 5 वर्ष का ये 15 करोड़ और ज़्यादा हो गया। तो सिंपल सा लग रहा है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है। देखिए हमेशा क्या होता है कि गलत जो पूछता है ऐसा क्वेश्चन, जब भी BPSC पूछता है, इनमें से चारों सही नहीं होता है। ठीक है, तो एक ना एक गलत होता ही है। तो मेरे ख्याल से ये तो है आपका, ये भी है और ये भी है। यहाँ पे जो गलत होगा, कुओं का निर्माण ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कुओं का निर्माण ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पे जा सकते हैं BPSC, क्योंकि जब भी BPSC गलत पूछता है तो हमेशा समझिए कि वहाँ पे कोई ना कोई गलत रहता है। तो यहाँ पे कुएं का निर्माण यहाँ पे गलत हो सकता है। बाकी अब देखते हैं BPSC क्या मानता है, ऑप्शन ई भी मान सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। भंडारी समिति जो है आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना के लिए था, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है NPS के बारे में पूछा था, NPS के बारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा था IRDAI तो ये करेगा नहीं, तो फिर ये आपका यहाँ पे NPS जगह आपका सेवी भी नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा NPS के फंड पेंशन फंड निर्माक, और ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको इंग्लिश में मैं बता दूंगा कि यहाँ पे सभी नहीं कहा, यहाँ पे सभी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑल सभी सभी कहाँ, सभी सभी को पेंशन थोड़ी मिलता है, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा 22-23 बजट के लिए प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। तो आपका विनिवेश नहीं था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, विनिवेश शामिल नहीं था, बाकी सारे था। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के टैक्स टू GDP रेशियो कितना था। तो टैक्स टू GDP रेशियो कितना था, 11.7 था। तो मैं 11.11 में कंफ्यूज था, 11.7 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं कितना था आपका यहाँ पे। तो नॉट ट्रू अबाउट NSSO, 68 राउंड NSSO के बारे में कौन सा गलत है पूछा, तो यहाँ पे गलत जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी डिफाइन द माइक्रो इंटरप्राइज इन इंडिया। माइक्रो इंटरप्राइज क्या हो जाएगा, तो जिनका भी 1 करोड़ से कम हो लागत, तो वो आपका माइक्रो इंटरप्राइज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है प्रधानमंत्री किसी सिंचाई योजना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऑप्शन ई लगाया था, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन क्या जहाँ पे इनकरेक्ट होता है ना, वहाँ पे कोई ना कुछ क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ वे लगा दिया था। तो बाकी ऑप्शन ई भी जा सकता है, लेकिन अब खैर छोड़िए, ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भंडारी कमी से मैंने सोचा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वही मार दिया जाए, तो मैंने सबसे बड़ा मार दिया और ये सही हो गया। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है, लेकिन देखिए डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए अलग, मैंने टैक्सेशन के बारे में पढ़ा था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए पढ़ा है, और एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में पढ़ा था। तो लेकिन बैंक रीस्ट्रक्चर के मामले में हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैंने क्या देखा कि जो बहुत बड़ा है ये, तो ये बना लो, मार दो इसको। ठीक है, यहाँ पे NPS के बारे में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, NPS क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसलिए ये वाला करिए कि ऑल का दिया, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा NPS का। फिर यहाँ पे मैंने डिस इन्वेस्टर, यहाँ पे इसका हो जाएगा, तो बजट में कौन सा पार्ट नहीं था, यहाँ पे डिस इन्वेस्टर नहीं था। नेक्स्ट है, टैक्स टू GDP रेशियो कितना था। देखिए मैंने इन दोनों में कंफ्यूजन किया, तो मैंने इन दोनों को कंफ्यूज था, तो 11.5 लगा दिया। अब देख सकते हैं कि कितना मेरा लक खराब है कि मैंने दो में कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो दोनों का जो भी आंसर लगा रहा हूँ वो गलत निकल रहा है।
तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, मेरे साथ हुआ, देख लें। तीन मैंने छोड़िए हटाइए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम लगा था, स्वराज द्वीप हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम रखा था, स्वराज द्वीप था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधी चौरी चौरा किस राज्य में है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या की थी, मुजफ्फरपुर में किए थे, ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, ऑप्शन सी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था, तो श्रम विभाग थे जगजीवन राम थे, श्रम विभाग कौन हो जाएगा, जगजीवन राम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग से निकले थे, तो ये आपका दीपावली के टाइम में निकले थे, दीपावली में निकले थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आंसर होगा दिसंबर 1946 हो गया, मैंने एंटी गवर्नमेंट का सोच लिया था, तो यहाँ पे दिसंबर 1946 हो जाएगा, थोड़ा सा सिली मिस्टेक यहाँ पे मेरे से हो गया था। सुभाष चंद्र बोस वाजी नेम अदर निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड था आपका कौन सा है, यहाँ पे स्वराज आइलैंड ये हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इन विच स्टेट इज चौरी चौरा, वेयर इज द फरवरी 1922 ए पुलिस स्टेशन वाज सेट टू फायर, तो आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में होता है। इन विच खुदीराम बोस ट्राई, तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में ट्राई किया गया था। फिर यहाँ पे आता है आजाद दस्ता कहाँ पे था, क्विट इंडिया मूवमेंट था आजाद दस्ता। फिर आता है यहाँ पे हमारा हुआ अलॉटेड द पोर्टफोलियो ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट 1946 में किसको मिला था, तो जगजीवन राम को मिला था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1942 एडी ऑन द ऑकेजन ऑफ द विच फेस्टिवल, तो दीपावली के टाइम में वो भाग निकले थे हजारीबाग जेल से। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैंने इंटरिम गवर्नमेंट सोचा था दिसंबर 1946, मेरे को याद नहीं आता, तो इसका आंसर जो है आपका दिसंबर 1946 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खा हो जाएंगे, अब्दुल गफ्फार खा हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रानी झांसी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, देखिए इस क्वेश्चन का मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा था कि बंगाल विभाजन में कौन लीड किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड किया था, इसलिए मैंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी बना दिया था, लगा दिया था, जो कि सही हो गया था, और ये जो आपका इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि लीड कौन कर रहा था बंगाल विभाजन को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी लीड कर रहे थे। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था, माइकल ओडायर को मारा था, जनरल डायर को नहीं मारा था। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ सिंपल था कि वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था, तो एवी अलेक्जेंडर थे, पैथ्रिक ऑलेंस थे, और सर स्टफर किट्स था, मैकडोनाल्ड नहीं थे, तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। महात्मा गांधी इरविन पैक्ट ये 64वीं में भी आया था, 1931 का 5 मार्च 1931 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस, इसलिए क्या होता है प्रीवियस ईयर देखना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट पीवाईक्यू से, और ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू से आ गया, देख रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, ये भी पीवाईक्यू का है, और 1929 लाहौर हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रंटियर गांधी हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो आप खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का डैड कहाँ पे की थी, तो हीरोज के साथ कहाँ पे हुआ था, इनको ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर है, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ कौन इन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, तो ये कहा था आपका सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था, और लीड इसलिए यहाँ पे ये लीड कर रहे थे, इसलिए इन्होंने बोला था, ऐसा नहीं है, मैंने ये सोचा कि ये इनको लीड कर रहे थे, यह हो गया इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार उधम सिंह किल होम किसको मारे थे, तो माइकल ओडायर को इन्होंने मारा था। नेक्स्ट यहाँ पे, हु सक्सेसफुली लेड द बारदोली सत्याग्रह, तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इन द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया 1946 में, तो रामसाहब मैकडोनाल्ड नहीं थे, बाकी तीनों थे, पीवाईक्यू का पार्ट था। इन विच ऑफ द फेमस गांधी इरविन पैक्ट होता 1931 में हुआ था। फिर इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन, तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 का लाहौर सेशन था। फिर देखिए यहाँ पे, देखिए हमारे बीपीएससी नोट्स नायक जो है यहाँ पे आप बीपीएससी के आंसर राइटिंग सीरीज में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में बनाया है, तो यहाँ पे जो आंसर मैं बता दूंगा पहले इंग्लिश का ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ए जो है 12 दिन काम करता है, 20 दिन, 12 20 के एलसीएम क्या होगा 60 हो जाएगा, ये करेगा 5, ये करेगा 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 60 से डिवाइड किया 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट है मेरा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा 30 दिन आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो विद्यार्थी वाला आएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे मुझे यहाँ से देख लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है इसको इंग्लिश में ही देख लेते हैं। ये पहला का क्या गया आपका, पहला मैच जो था अनिल और सुमन का हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 55 स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका जो वेन डायग्राम था, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इसका।
फिर यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा आप इसको क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए डायरेक्ट इसको 60 का स्क्वायर कीजिए, 40 का स्क्वायर कीजिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60-40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको कीजिएगा तो आपका 7 आ जाएगा। अब ये कैसे है, अब इसको मैं बता दूंगा एक अलग सा बना के। फिर जिसका जो आएगा आपका कितना आएगा, यहाँ पे जो आंसर आया 28 के जी आ रहा है, तो इसका जो आ रहा है आंसर उसका आपका 4:1 वाला आएगा, 28 के जी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से देख लीजिए मैथ वाला इंग्लिश में ही देख लेते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश में बनाया था। तो यहाँ पे जाएगा 240 पर डजन हो जाएगा इसका आंसर। फिर इसका आंसर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैथ का मैं अलग से वीडियो बना ले आऊँगा। यहाँ पे 12 सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था। और ये जो है याद है कि 67 BPSC का मैंने रिव्यू किया था, तो उसमें मैथ के क्वेश्चन को डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन वहाँ से कॉपी कर लिया है, तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे ऑप्शन डी मेरे को याद था, मैंने इसको मार दिया। ठीक है, तो रिव्यू का भी फायदा मिल जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे है इसका है 27 3/11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, उष्णकटिबंध के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे है उत्कृष्ट धातु व प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। देखिए साइंस का पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हिंदी में आएंगे। यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नोबेल मेटल। नोबेल मेटल क्या होता है, फाउंड इन प्योर फॉर्म, सही बात है, प्योर फॉर्म मिलते हैं, और यूरेनियम और लेड जो है आपका नोबेल मेटल में नहीं आता है, तो ये दो गलत होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर, अगर हम सॉल्ट को प्योर वाटर में सॉल्ट ऐड करेंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन वाइल मिथाइल अल्कोहल एडेड टू वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज, अगर हम मिथाइल अल्कोहल को ऐड करेंगे तो वाटर में तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरे को लगा कि देखिए मैंने सोचा कि ये क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल यानी एक इम्प्योरिटी को ले लिया, तो मिथाइल अल्कोहल को अगर हम डालेंगे उसमें वाटर में तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हम सोचेंगे इंक्रीज कर जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, दो को गलत मान दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ पे दोनों ही सही होगा, तो यहाँ पे मैं दोनों ही आप बता देता हूँ, दोनों ही सही 1 into इसका मान के चलिए हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 into इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का कौन कौन सा है, PPYQ में पूछा गया था, मिथेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग वुड कॉज द ब्राइट रेड कलर, देखिए स्ट्रॉन्शियम जो होता है ना क्रिम्सम रेड कलर निकालता है, क्रिम्सम रेड कलर निकालता है, स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मेरा साइंस का जो 1500 MCQ वाला है उसमें ये क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट कल, तो सॉल्ट लविंग को कहते हैं हैलोफाइट कहते हैं, मैंने जेरोफाइट और हैलोफाइट में कंफ्यूज हो गया था, फिर मैंने जेरोफाइट को काट दिया क्योंकि ये तो डेजर्ट कंडीशन में आता है, तो हैलोफाइट जो आपका कहाँ पे आता है, सुंदरबन में आता है, तो वहाँ पे आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फंगाई जो है फंगाई में क्या लैक होता है, तो क्लोरोफिल लैक होता है, फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता है। फिर पॉलिनेशन का होता है, पॉलिनेशन का डिफिनेशन ही होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का। अब हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में बता ही दिया इन दोनों में क्या है, आपका यहाँ पे ऑप्शन एक सही है, दो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनमें बहुत सारे मैंने देखा है चना में, तो यहाँ पे दोनों ही सही बताए, तो दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस में आपका मीथेन हो जाएगा, बायोगैस में मीथेन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे इनमें से रसायन के कारण पटाखा फूटता है, और लाल रंग जो है आपका स्ट्रॉन्शियम हो जाएगा, यहाँ पे बैरियम से हरा दिखेगा, क्या बैरियम से हरा दिखता है। फिर यहाँ पे लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, तो लवण मृदु, देखिए इसी से पता चल जाएगा लवण है, यहाँ भी लवण है, आंसर बी इसका करेक्ट मान दीजिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। तो अब क्या चाहिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और परागकण की परिभाषा क्या होता है, परागकण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे आप इसको मार सकते हैं, सबसे बड़ा वाला मार दीजिए, आंसर सही हो जाएगा। हाँ, पौधे फिर से इंग्लिश में ही देख लेते हैं, साइंस का थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। प्लांट रिसीव दियर न्यूट्रिएंट मेनली फ्रॉम, कहाँ से पाते हैं, सॉइल से पाएंगे, कहाँ से मिलेगा, सॉइल से ही मिलेगा, और कहाँ से ले सकते हैं न्यूट्रिएंट, लाइट, देखिए अब इसको थोड़ा अपने पढ़िए, क्लोरोफिल तभी एक्टिव होगा जब लाइट एक्टिव होगा, लाइट से आपको यहाँ न्यूट्रिएंट मिलता नहीं है, क्लोरोफिल से भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, इसको भी सॉइल में ही मिलना पड़ता है, तब जाके वो जोड़ लेता है, तो यहाँ पे सॉइल इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पाइन फर स्प्रूज होगा, देखिए पाइन फर स्प्रूस, ये तो क्या हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में आता है, और जिम्नोस्पर्म में आता है तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म आएगा तो डाइकोटिल, देखिए इसको ऑप्शन ई मान सकता है BPSC, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का ही पार्ट होता है कॉटिलेडन और डाइकोटिलेडन होता है, दोनों पार्ट दोनों आता है। तब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे BPSC क्या मानता है, जिम्नोस्पर्म मेनली अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसका, जिम्नोस्पर्म ही हो जाएगा, ठीक है, इसका जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कुछ लोग इसमें जो है एक तो होता है डाइकोटिलेडन होता है, एक
होता है आपका मोनोकोटिलेडोन, डाइकोट और मोनोकोट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे दोनों देखें, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन इनमें से क्या हो जाएगा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जगह जिम्नोस्पर्म के साथ, क्योंकि ये दोनों मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट का जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है यहाँ पे फाइंड आउट द विच करेक्ट करेक्ट कौन सा है, तो टेटनस का बीसीजी नहीं होता है, टेटनस का आपका एटीएस होता है। फिर जो है मलेरिया का क्यों नहीं, ये सही है आपका, उसका भी ये नहीं होगा, ये भी गलत, ट्यूबरक्लोसिस का बीसीजी होता है जो यहाँ यहाँ लिखा हुआ है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं द एनिमल हुज रेड ब्लड सेल जहाँ पे एब्सेंस होता है, तो मैंने तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्या है, ये पानी में रहता है, यही पानी में रहता है, ये भी ये पानी में रह सकता है, तो यहाँ मैंने इसको ऑप्शन ई मार दिया, ये गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थवन जो एनिलेडा ग्रुप का है ये देखना चाहते हैं मेरे को, तो अर्थवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फिर जो आपका अल्टीमेट सब्सटेंस टू फाइंड द कार्बोहाइड्रेट आर डिग्रेडेड ग्लूकोज, देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है, सिंपल सफा में। मोस्ट ऑफ द एंजाइम, सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं सारे एंजाइम्स। हु आर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू वैक्सीनेशन, तो किसने वैक्सीनेशन खोजा था, तो एडवर्ड जीनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अपने पौधे पोषक तत्व मुख्यतः किस प्रकार कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मृदा से प्राप्त करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पाइन फर स्प्रूस क्या है, आपका अनावृत वृक्ष है, अनावृत वृक्ष है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेरित है, तो आपका मलेरिया क्लोरोक्विन हो जाएगा, बहुत सारा बहुत इस बार नाम सुना गया था। लाल रक्त कणिका जो आपका क्या है, एक तरह का केचुआ हो जाएगा, विहीन जंती है केचुआ। कार्बोहाइड्रेट अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये आपका ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन है आपका साइंस का ही, तो इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन किस पे काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है, किस पे, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। आप यहाँ से इस पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन और डायलिसिस से नहीं होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम विल वाइल पासिंग थ्रू, तो यह हो जाएगा ग्लास, ग्लास में पास करेगा तो स्पीड ऑफ लाइट का मिनिमम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर कॉइन, इनमें से वेक्टर क्या नहीं है, आप सिंपल सा मैंने कहा था कि एस फॉर स्केलर, एस फॉर स्पीड, एस फॉर स्केलर, तो आप यहाँ से भी याद रहता तो आप आराम से स्पीड को निकाल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे अब ऐसा देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है, तो क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट साथ साथ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी पर वेलोसिटी का ही आपका डिस्प्लेसमेंट पार्ट है, तो ये गलत, ये दोनों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में आप लगा सकते थे। इफ द स्पिनिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीज देन वेट ऑफ द बॉडी एट द इक्वेटर विल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने इंक्रीज कर दिया था, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका डिक्रीज। साइंस थोड़ा सा मेरा गड़बड़ था यहाँ पे था, व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, तो मैंने पहले गैलीलियो लगाया जो कि फिर मैंने काट दिया कंफ्यूजन में, फिर टॉलमी लगाया उसको भी काट दिया, फिर लास्ट में कैप्लर लगा दिया, कैप्लर का लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन था मैंने लगा दिया, तो जो कि ये गलत है, आपका आंसर जो होगा गैलीलियो होगा, गैलीलियो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द लॉ इन विच अंडर द सेम कंडीशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑल गैस एंड कंटेंट, ये होता है एवोगैड्रो नंबर होता है, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है, अल्बर्ट आइंस्टीन का हो जाएगा, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होता है कहते हैं, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे जो है ड्यू टू टेम्परेचर इन वेरिएशन अलोंग ए कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन ऑकर अलोंग इट, इसका क्वेश्चन मेरे को नहीं पड़ा था, तो बहुत लोग कर रहे हैं आपका थॉमसन इफेक्ट या फिर मेरे ख्याल से यहाँ पे सीडबैक इफेक्ट हो जाएगा, इसका सीडबैक इफेक्ट या फिर जुल्फ इफेक्ट कर सकते हैं, या तो क्वेश्चन ए और डी में जा सकता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा तो आपका जूल इफेक्ट के साथ जा सकता है, तो लेकिन छोड़िए इसको कंफ्यूजन है, मेरे को नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सीडबैक इफेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे इसको हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन का, साइंस में क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा दिया है और बहुत ज़्यादा दिया है। तो वॉशिंग मशीन जो है आप केंद्र का काम हो जाएगा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो आपका हो जाएगा कांच में, कांच इसका बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो आपका गति जो है सदिश राशि नहीं आता है, यदि धरती घूमने की गति का बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, यह आपका घट जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा घट जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो गैलीलियो ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये हो गया एवोगैड्रो का नियम हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपेक्षाकृत का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये दिया था आपका अपेक्षितता है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट है एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभिन्न परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं, इसको हम सीडबैक प्रभाव कहते हैं, सीबैक, ऑप्शन ए हो जाएगा, सीडबैक प्रभाव कहेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे ये भी हमारा साइंस का है, तो देख रहे साइंस का कितना ज़्यादा क्वेश्चन देगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है? आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पारा मैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाई टू, ये आपका प्लैटिनम हो जाएगा, यहाँ पे प्लैटिनम को अप्लाई करता है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जब लास्ट ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन हो जाएगा। द मेटलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड, तो इसको हम स्मेल्टिंग कहेंगे। सिंपल सा था यार, आप इसको हिंदी में पढ़िएगा तो आराम से इसका बन जाएगा। फ्यूज स्टेट में क्या होता है, तो आपका स्मेल्टिंग हो जाएगा, यही लिक्विड स्टेट में हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे विच एमंग द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टेंट ऑफ ब्रास, ब्रास का क्या होता है? कॉपर और जिंक हो जाएगा, कॉपर और जिंक हो जाएगा, निकल तो कभी आता नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्यू क्लाइम, क्यू क्लाइम कहते हैं सी ए ओ को, कहते हैं सी ए ओ को क्यू क्लाइम कहा जाता है। वॉट हैपन्स टू द वेट ऑफ आयरन वेन इट रस्ट, देखिए पहले क्या होता है आपका आयरन होता है वो रस्ट लग जाता है, तो आयरन का जो होता है इंक्रीज कर जाता है, क्या होता है वेट इंक्रीज कर जाता है। फिर क्या होता है धीरे धीरे जैसे जैसे रस्ट लगता जाता है आयरन कमज़ोर होता जाता है, आयरन कमज़ोर होता है इसलिए पुल टूट जाता है, इसलिए रस्टिंग के कारण क्या होता है पुल जो है टूट जाता है। तो क्यों टूटता है, क्योंकि हल्का हो जाता है पुल, तो इसलिए क्या होता है पहले क्या होता है पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर जाता है, पुल टूट जाता है। आप पुल का एग्जांपल ले लीजिए, पुल क्यों टूटता है रस्टिंग की वजह से, रस्टिंग ज़्यादा हो गया तो पुल टूट जाएगा, क्योंकि आयरन हल्का हो जाएगा और हल्का होगा तो आपका ज़्यादा प्रेशर लग गया तो पुल टूट जाएगा। विच एम द फॉलिंग इन द ऑल्सो इन द व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल कहते हैं प्लैटिनम को, व्हाइट मेटल जो होता है आपका प्लैटिनम होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम फिर से हिंदी में देख लेते हैं, आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस होता है, तो आपका उत्तल लेंस का हो जाएगा, ऑप्शन ए। चुंबक के तव अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये आपका यहाँ पे प्लैटिनम हो जाएगा, प्लैटिनम या देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ई पे चल जाइए, ठीक रहेगा। ठीक है यहाँ पे आपका ऑप्शन ई के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है यहाँ पे आप इसको जो है ऑप्शन ये जो है आपका पारामैग्नेटिक ऑप्शन ई के साथ हम जाना चाहेंगे। ठीक है यहाँ पे आपका यहाँ हो गया हम लोग, परमाणु में नाभिक में कौन सा मूल कण होता है, तो परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मिश्रित प्रकलन कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करा है मिश्रित अवस्था में, तो प्रकलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्रकलन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से पीतल के घटक है, पीतल का हो जाएगा लोहा और लोहा करा जस्ता और तांबा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अनभुजा चूना कहते हैं आपका सी ए ओ, क्यू क्लाइम होता है, ऑप्शन सी ए ओ को कहते हैं। जब जंग लगता है तो क्या होता है यह पहले बढ़ता है और फिर बाद में घट जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और निम्न में से श्वेत धातु कहते हैं प्लैटिनम को, प्लैटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा इसका इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पारामैग्नेटिक थ्योरी आपका आयरन नहीं होगा प्लैटिनम हो जाएगा, निकल आई थिंक अब मर्करी हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो आप इसको ई पे मान या इसको एक काम करिए इसको छोड़ दीजिए और या तो ऑप्शन ई के साथ जा सकते हैं, तो आप इसको छोड़ दीजिए सही रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे निम्न में से 2022 में यूथ इंडिया सपोर्ट 2022 किसने जारी किया था, तो ये किया था आपका मॉस्पी ने किया था, मॉस्पी कहाँ पे है आपका मॉस्पी हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खबरों में नजर आने वाली एवोलिन क्वालरिन और श्रेया अग्रवाल का किस खेल से है, तो यह है आपके निशानेबाजी में शूटिंग में, निशानेबाजी शूटिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है किसको, तो स्मृति ईरानी को, बहुत बहुत करंट अफेयर है, बहुत पास का करंट अफेयर है ये। नेक्स्ट है हमारा 15वें राष्ट्रपति चुनाव के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार थे आपके कौन, तो यशवंत सिन्हा थे, कौन थे यशवंत सिन्हा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉम्ब ऑफ सेंट यानी टॉम्ब ऑफ सेंट जो किसने लिखा था, तो आपका गीतांजलि सिंह ने लिखा था। बिहार के किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया है, तो ये है आपका दीप श्रेष्ठ को, ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, दीप श्रेष्ठ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका दीप श्रेष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंग्लिश में देखे थे विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज द यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022, यह होगा एमओएसपी हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये जो तीन लड़कियां हैं ये किससे संबंधित है, तो ये आपका शूटिंग से, मैंने देखा था कि रेसलिंग में काफ़ी पदक आए इसलिए मैंने रेसलिंग डाल दिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर किसे मिला है, तो आपका स्मृति ईरानी को मिला गया है, मिला है। फिर यहाँ पे यूपीए के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के जो थे कौन थे मेंबर, ये थे आपके यशवंत सिन्हा थे जो द्रौपदी मुर्मू हार गए थे द्रौपदी मुर्मू से। नेक्स्ट है हु हैज रिसीव द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द नॉवल टॉम ऑफ सेंट, तो ये आप गीतांजलि सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन सी गीतांजलि सिंह। हु हैज बीन अवार्डेड विद द दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड इन 2022 फ्रॉम बिहार, तो दीप श्रेष्ठ हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने किसको ये जगह शत्रुघ्न सिन्हा लगाए हैं। फिर यहाँ पे 87 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे
बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या था? शहरीकरण का स्तर था 15.3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 15.3। नेक्स्ट है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर थे आपके मनोज तिवारी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? मनोज तिवारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सीता माता, देखिए यहाँ से आपका पता चलेगा सीता है, सीता जी है, तो कहाँ पे होगा? सीतामढ़ी में होगा। सीता की सबसे लंबी मूर्ति जो है निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो आपका सीतामढ़ी में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, अभी आप बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल कौन है यहाँ पे? तो फागू चौहान हो जाएंगे, पहला का फोर हो जाएगा। बिहार के न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल हो जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार, और बिहार के चुनाव आयोग श्री HR श्रीनिवास हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, इंग्लिश में देखें यहाँ पे कौन सा है, तो ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ऑपरेशन प्रहार जो था आपका यहाँ पे शराबबंदी से था, ऑपरेशन प्रहार जो था शराबबंदी से था, ऑप्शन बी। फिर यहाँ पे आपका जो है अर्बनाइजेशन बिहार में कितना है परसेंट है? तो 15% के आसपास अर्बनाइजेशन है। फिर यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर खादी के कौन है? तो ये है मनोज तिवारी है ब्रांड एम्बेसडर खादी। फिर यहाँ पे आपका सीता माता का मंदिर कहाँ पे? तो सीतामढ़ी में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये बता ही दिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या, चीफ मिनिस्टर गवर्नर ऑफ बिहार फागू चौहान, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हो जाए नीतीश कुमार, चीफ जस्टिस है कौन? तो संजय करोल हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रहार जो है लीकर बैन से था, ऑपरेशन प्रहार जो था लीकर बैन से था। बिहार में रितिका आनंद ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जाई थी? तो आपका स्वर्ण पदक लाई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का सबसे बड़ा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया था? तो बर्ड रिंगिंग स्टेशन जो था आपका भागलपुर में खोला गया। बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे? भागलपुर में खोला गया। निम्न में से बिहार के गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की गई थी? तो गिद्ध संरक्षण योजना जो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में खोला गया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनंदनी कार्यक्रम जो संबंधित था आपका किसके? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से हो जाएगा आपका सुनंदनी कार्यक्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो आबे की चुनाव? सिंजो आबे कहाँ देखते हैं? तो सिंपल सा हो जाएगा जापान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया गया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो ये था आपका हिंदी का उपयोग किया था, हिंदी इसका यूज किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट यूक्रेन में रूस से सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा में आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता, देखिए महासभा का जो सत्र की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये हो जाएंगे आपका अब्दुल्ला शाहिद हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा मेडल जीते थे? गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते थे कौन? हृतिकानंद गोल्ड मेडल हो जाएगा, हृतिकानंद गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है बिहार नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिंगिंग स्टेशन कहाँ पे? मैंने ईस्ट में लगा दिया था, यहाँ पे भागलपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इन बिहार स्टार्टेड द वल्चर कंजर्वेशन प्लान, तो वल्चर कंजर्वेशन प्लान जो है आपका यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आया था, कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी प्रोग्राम किसके लिए था? आंगनवाड़ी के लिए था आपका सुनंदनी प्रोग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर कौन जिसको मार दिया था? तो यहाँ पर जापान के हो जाएंगे, ऑप्शन डी। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैड अडॉप्टेड एंड इन इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन ऑन मल्टी लिंग्विजम, तो कौन सा लैंग्वेज यूज किया गया था? हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी इज द बेस्ट आंसर हो जाएगा। हु प्रेसाइडेड द एमरजेंसी सेशन ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट वही करेंगे, तो कौन है प्रेसिडेंट? तो आपका अब्दुल्ला शाहिद हो जाएंगे। भारत ने फरवरी 2022 के युद्ध प्रभावित यूक्रेन के भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया था? तो ऑपरेशन गंगा हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने सत्केंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के, तो सत्केंग वाइल्ड लाइफ अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका भूटान में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2023 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और अब जो है चेंज होकर दिल्ली हो गया, अब जो चेंज होकर दिल्ली हो गया, तो किसे चुना गया था? तो यह किसे चुना गया है? तो यह आपका जम्मू कश्मीर या फिर दिल्ली, देखिए दोनों में से जो मान जाए, तो ऑप्शन ए और बी जाएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट पीरियड जाएगा, पहली बार BPSC जम्मू कश्मीर जाएगा। अब बहुत लोग जम्मू कश्मीर लगाए भी होंगे, दिल्ली बहुत कम लोग लगाए होंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो कौन सा सही? तो आपका 1, 2, 3 तीनों आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछेगा हमेशा याद रखिएगा 1, 2, 3 इसका करेक्ट दे दीजिएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर समझौता किया है? तो इजराइल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इजराइल। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह Artica M लॉन्च किया था? Artica M किसने? रसिया ने किया है, Artica M रसिया हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंडिया इवैक्यूएटेड यूक्रेन में कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन गंगा चला था यूक्रेन में। चाइना जो साउथ किंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तो भूटान हो जाएगा, मैंने अरुणाचल प्रदेश लगा दिया था गलती से नहीं जानबूझ के लगाया था, मेरे को याद नहीं था। विच इंडिया स्टेट हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट, तो G20 देखिए यहाँ पर विच इंडिया स्टेट यूटी हैज़ बीन चूजन टू होस्ट द G20 समिट इन 2023, तो होगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा या फिर बाद में दिल्ली भी मान सकता है क्योंकि चेंज हो गया है, तो दिल्ली ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या मानेगा, अब देखते हैं क्या मानता है। तो BPSC जो मानेगा मोस्ट अप्रोप्रियली जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं क्या होगा, तो जम्मू कश्मीर वाला इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कंफ्यूजन में आप छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा तो क्या मानता है वो BPSC कंफ्यूजन है। तो जम्मू कश्मीर का ऐसा आंसर माना गया, बहुत लोग लिखे हैं और यहाँ पे देखिए इस टाइप का आंसर पूछा है आपका, तो हमेशा याद रखिए वन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे UN पीस के यहाँ भी 1, 2, 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा बी। विच कंट्री हैज़ साइन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ UAE, तो यहाँ का इजराइल जो है इजराइल और UAE के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट सेटेलाइट आर्टिकाएम, आर्टिकाएम किसने, रसिया ने किया है सेटेलाइट को लॉन्च। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन कौन बनाया है, तो 3000 रन बनाने वाले हैं आपके विराट कोहली, 3000 रन विराट कोहली है। COVID-19 टीकाकरण के पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान कौन सा है, तो ये है घर तक दस्तक अभियान 2 हो जाएगा, घर तक दस्तक अभियान है। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है एकनाथ शिंदे हो जाएगा, एक ही नाथ यानी समझ सकते हैं एकनाथ शिंदे। तो उत्कर्ष कर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। भारत के 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया, तो केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान जो है शुरुआत किया है। नेक्स्ट केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे राजस्थान के यहाँ पे कलाज में सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 और 2 हो जाएगा, इसका 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3000 रन कौन बना है, तो आपका विराट कोहली हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जो आंसर जाएगा COVID-19 के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, तो जून 2022 में, तो यह घर तक दस्तक कैंपेन चलाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हु इज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो ये हो जाएगा एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, ऑप्शन सी डी हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि हर घर तिरंगा है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, नीति आयोग भी नहीं चलाया था, नीति आयोग नहीं चलाया था, इलेक्शन कमीशन नहीं और इंडियन आर्मी भी नहीं, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैव बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोग्राम ऑफ न्यू सेंट्रल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो यह उत्तराखंड हो जाएगा, मैंने ऐसा मान दिया था जो गलत हो गया, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा राजस्थान का हो जाएगा कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे सिंध विजय कर उसका अधिकरण किया था, तो किसने सिंध विजय किया था, मैंने भूल गया था, तो यह नेपियर और लॉरेंस में मैं कंफ्यूज हो गया था, तो नेपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम जनगणना किस वर्ष हुआ था, 1872 में हुआ था, मेयोकोट का टाइम में हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था, 23 मार्च 1931 को दिया गया, शहीद दिवस मनाते 23 मार्च को। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे सत्याग्रह के, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रह्मदत्त इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको एलिमिनेट करेंगे तो विनोबा भावे पहले थे नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू दूसरे थे नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद के मैं पढ़े होंगे तो ऐसा तो कभी नहीं आया इनके बारे में समझ में, तो ऑप्शन बचता है ब्रह्मदत्त हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, खुफिया रेडियो स्टार्ट किया था आपका उषा मेहता ने किया था, खुफिया रेडियो उषा मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो जीवक हो जाएगा, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। तो सिंध और कॉन्क्यूर किया गया था, किसे मैरन नेपियर और लॉरेंस में कंफ्यूजन था, तो मैं ये ऑप्शन बहुत ही कम मारता हूँ, तो यहाँ पे बी मार दिया, तो यहाँ पे गलत हो गया, नेपियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन में मैंने टुक का मारा था ई और बी में, तो दोनों ही पांच गलत लग गए। इन विच ईयर द फर्स्ट सेंसर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो यह आपका 1872 हो जाएगा। ऑन विच डेट गुरु सुखदेव भगत सिंह राजगुरु जो था आपका 23 मार्च 1931 हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे आता है हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी, तो कौन था, तो ये था आपका ब्रह्मदत्त से, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है हु लॉन्च रेडियो सीक्रेट रेडियो डूइंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये थे आपके उषा मेहता हो जाएंगे, सीक्रेट रेडियो कौन स्टार्ट किया था, उषा मेहता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हुआ द फिजिशियन ऑफ मगध रूल, तो फिजिशियन कौन था, मगध का जीवक हो जाएंगे। और हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ द टर्क रूल, टर्क रूल का रियल फाउंडर कौन था, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये थोड़ा उल्टा लगे, चलिए इसको सीधा कर लेते हैं।
बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर है आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा, 1918 के आसपास है, 1918-19 के आसपास है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कानू हो जाएंगे। पीवीएस क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था? तो 1936 में अलग किया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पे प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजित कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध महासभा हुआ था आयोजित कहाँ पे? राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर में होगा। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो यहाँ पे कह रहे हैं लोग तो चंद्रगुप्त द्वितीय है। यहाँ पे मेरे को इसका आंसर नहीं पता था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने किया था। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ठीक है, हु आर द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वेयर द लीडर ऑफ संथाल रिवॉर्ड? तो संथाल रिवॉर्ड के लीडर कौन है? सिद्धू और कानू हो जाएंगे। यहाँ पे संथाल रिवॉर्ड के लीडर जो हो जाएंगे आपके सिद्धू और कानू हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर बाद चौरी रिवॉल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? यह 1832 में चौरी रिवॉल्ट टुक प्लेस हुआ था। इन विच ईयर बाद ओडिशा सेपरेट फ्रॉम बिहार? तो 1936 में ओडिशा सेपरेट हुआ बिहार से। नेक्स्ट है, हु आर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट? तो कहाँ पे हुआ था? राजगीर में हुआ था। विच गुप्ता रूलर हैज अज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर? तो ये था आपका चंद्रगुप्ता द्वितीय था। ऑप्शन ए हो जाएगा। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? वर्धन डायनेस्टी पुष्यभूति वर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो आप bpsc.notes.nayak है तो आप यहाँ से मेंस राइटिंग के लिए अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आज से कल से हमारा मेंस राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइन कीजिए। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक अभी फिर रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किससे आता है? ये क्वेश्चन जो था ना, बहुत लोगों यहाँ पे चेहरा बताए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसा आप मैंने क्या सोचा था एग्जाम में, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसके स्थापित किया था, किसने स्थापित की? तो जाहिर सी बात है, एक से ज़्यादा लोगों ने स्थापित किया होगा। कोई भी हो आपका, एक से ज़्यादा लोगों ने स्थापित किया होगा। कुषाण भी कर सकता है, इसी के टाइम में तो हुआ था, हूनों ने आक्रमण किया था तो वहाँ से ख़त्म हो गया था। तो चेर भी हो सकते हैं, कुषाण भी हो सकते हैं और बाकी एक से ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। मैं इसलिए मैंने इसको ऑप्शन ई लगा दिया था, ऑप्शन ई पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। तो ट्रेड, देखिए ट्रेड रिलेशन जब भी होता है एक से ज़्यादा के साथ ही होता है, तो आप इसको आसानी से आप ऑप्शन ई पे जा सकते थे। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम से माना था, देखिए इसको याद करने का तरीका था आई फॉर इस्लाम आई फॉर इल्तुतमिश, इसी तरह से याद करने का तरीका था। मैंने इसी तरह, क्योंकि एक तो था दारुल सफा था, दारुल सफा क्या था आपका? फिरोज शाह तुगलक था, हॉस्पिटल था एक तरह का। तो अब यहाँ पे दारुल सफा नहीं था, दारुल इस्लाम था। तो ये मैंने इसको ट्रिक याद किया था आई फॉर इस्लाम आई फॉर इल्तुतमिश। तो यहाँ से मैंने, मेरे को ये क्वेश्चन को बिल्कुल आइडिया नहीं था, बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। और मैंने आई थिंक मेरे को बहुत साल पहले याद किया था और मैंने जो ट्रिक लगाया था ना वही ट्रिक मेरे को काम आया था। जो ट्रिक, इसलिए ट्रिक हमेशा के लिए याद होता है। तो यहाँ पे इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कितने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? बहुत जोर से जो विरोध किया था, बहुत जोर से, तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत जोर शोर से खलीफा का विरोध किया था। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान अटैक किया था, विद्रोह किया था? तो बलबन हो जाएगा, तुगरील खान बलबन। फिरोज शाह तुगलक में ऐसा कोई विद्रोह हुआ नहीं था, खिलजी का भी विद्रोह हुआ नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी के से भी कोई विद्रोह किया नहीं था। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है आपका, बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध में संघर्ष किया था? तो ब्रिटिश के विरुद्ध में संघर्ष करने वाले था, मेरे ख्याल से मैंने तो किया था आपका बहादुर शाह जफर, मैंने देखा था। और बहादुर शाह जफर इसका हो सकता है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। क्यों? अंग्रेज भी था, अंग्रेज औरंगजेब भी था और अंग्रेज का सपोर्टर ही था। तो मी कि सर्वप्रथम किस मुगल, अच्छा यहाँ पे सर्वप्रथम कह रहा है, सर्वप्रथम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे मे पॉसिबल, अब इसका जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो है आपका औरंगजेब हो सकता है आंसर। औरंगजेब अकबर दिया हुआ नहीं है, औरंगजेब हो सकता है या फिर औरंगजेब। देखिए यहाँ पे जो आंसर है बी और डी में कन्फ्यूजन है, या तो बहादुर शाह जफर यहाँ पे हो सकता है या फिर आपका औरंगजेब हो सकता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा यहाँ पे औरंगजेब मान के चलिए या फिर बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर तो लड़ा ही था, बोल सबसे लास्ट में आखिरी मुगल था, आखिरी मुगल था जिसने लड़ा था, तो ये तो आखिरी हो सकता है। तो बचता है, देख लीजिएगा यहाँ पे मिला लीजिएगा कौन सा आप सही कर सकते हो। तो मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो यह था, देखिए यहाँ पे दास प्रथा का जो उन्मूलन है ये आपका किसने किया था? एलन ब्रो ने किया था। तो दो तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, दो यहाँ पे हटा दीजिए, दो इसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो यहाँ नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास? सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो हो गया ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन ई, वह 1-3-4 हो जाएगा। तो 1-3-4 हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा हो जाएगा हु इस्टेब्लिश द ट्रेड रिलेशन विथ रोमन एम्पायर। मैंने पहली बार क्वेश्चन लगाया था, फिर सोचा कि नहीं एक से ज़्यादा हो सकता है, तो यह हो जाएगा आपका क्वेश्चन के बाद, तो यहाँ पे ऑप्शन ई मेरे पे गया था। द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एट द पोर्ट ऑफ दारुल इस्लाम, तो इल्तुतमिश हो जाएगा, दारुल इस्लाम इल्तुतमिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे हु वाज अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा, तो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपोज किया था पावर को, खलीफा को पावर को। फिर यहाँ पे तुगरिल खान जो रिवोल्ट किया था किसके अगेंस्ट में किया था, तुगरिल खान किया था आपका बलबन के अगेंस्ट में किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ये था आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए या फिर आप देख लीजिएगा किसी और चैनल से, तो कौन सा हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहादुर शाह जफर लगाया था। हु आर द फॉलोइंग वेयर द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय विलियम बेंटिक, तो ये नहीं था, दो नहीं था, तो दो यहाँ पे एलिमेंट कीजिएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, दो एलिमेंट कीजिए और दो एलिमेंट कीजिए, तो ऑप्शन एक ही बचता है, डी बचता है। फिर यहाँ पे अखबारी कागज उद्योग, अखबारी कागज उद्योग कहाँ पे, नेपानगर में, कागज उद्योग कहाँ पे, नेपानगर में। वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड नहीं इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पे खोदा गया था, यहाँ पर रानीगंज में खोदा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा रानीगंज। फिर यहाँ पे आता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन सी है, तो सबसे अधिक जो आपका भील है, कौन से सबसे अधिक भील है 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र है 94,163 हो जाएगा, कहाँ पे, ऑप्शन ए में है 94,163 हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। फिर यहाँ पे जो है आपका बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड पाया जाता है, तेलहर कुंड कैमूर में पाया जाता है, तेलहर कुंड कहाँ पे, कैमूर में। इजी क्वेश्चन था एशिया, जो मेरा गलती हो गया था, इजी क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील कहाँ पर है, तो यह गया आपका कावर झील हो जाएगा, कावर झील। ये क्वेश्चन 67वीं में पूछा गया था, उसमें मैं सही हो गया था, इस बार गलत हो गया। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द न्यूज प्रिंट कहाँ पे, नेपानगर। N4 देखिए मैंने याद किया था, N4 न्यूज प्रिंट, N4 नेपानगर, ऐसे याद किया था मैंने, तो इसलिए याद था मेरे को। वेयर वाज द फर्स्ट कोल माइन इन इंडिया मिंटेड, तो कोल माइन था आपका रानीगंज में था, मिंट होता था। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच शेड्यूल टाइप इज द लार्जेस्ट, तो यह भील हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा द टोटल ज्योग्राफी ऑफ बिहार जो है 94,163 किलोमीटर हो जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर। फिर यहाँ पे कोसी सौरव ऑफ रिवर जो आपका बिहार, कोसी नदी हो जाएगी। फिर यहाँ पे वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलहर कुंड, तेलहर कुंड कहाँ मिलता है, मैंने पहली बार कैमूर लगाया था, फिर मैं जो है फिर समझ सकते हैं मैंने तुक्का लगाया और रोहतास लगा दिया, इसको काट के मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैमूर हो जाएगा, कैमूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाउट में था मैं इसलिए याद ही नहीं था, तो क्या कर सकते हैं, पढ़े थे याद था लेकिन भूल गए। एशिया का लार्जेस्ट फेस वाटर लेक ऑक्सफोर्ड लेक, ये मेरे को याद था, मैंने पहले कावर लगाया फिर इसको काट के फिर इसको गोखुर लगा दिया, तो ये जो मेरा गलत हो गया, तो यहाँ पे कावर लेक हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी था जो मैंने गलती कर दिया। देखिए सिली मिस्टेक हो सकते हैं, मैंने भी बहुत जानते हैं ना कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया था मैंने, तो इसलिए हो गया। तो एक बार फिर से मैं कह दूँ कि BPSC नोट्स नैक आप टेलीग्राम चैनल इसको जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको डेली एक आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, बहुत अच्छा मौका है, जाना चाहिए। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो सोने का भंडार जमुई जिले में मिला है, जमुई में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से कहते हैं, सिल्क सिटी भागलपुर, सिल्क सिटी भागलपुर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, देखिए बिहार की साक्षरता 68.8 है, इसमें से 10 माइनस कर दीजिएगा महिला आ जाएगा, 10 प्लस कर दीजिएगा पुरुष आ जाएगा, तो 10 माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा, 51.50। अब यहाँ पे 50-50 नहीं है, 50-50 था इसको याद करने में आसान रहता, तो 50-50 आसानी रहता याद करने में, तो ये नहीं हो सकता है, तो अब 51.50 हो जाएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड, प्रधान पूछा तो प्रधान एक कौन होता है, फादर ही होता है, फादर कौन है, सूर्य है, तो यहाँ पे सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे का, देखिए यहाँ पे सीफे नीफे कर रहा है, तो नीफे हो जाएगा आपका निकल और फेरस जो मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया था इसमें, ये भी गलत हो गया था मेरा, तो यहाँ पे बहुत सिंपल था, निकल और फेरम लगाया था। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संभावना किसमें है, तो किसने दिया था, डेविस ने दिया था, WM डेविस ने दिया था, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गरजने वाली चालीसा, कुग्र पचासा, चिखने वाली साठा, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में मिलती है, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में। सबसे ज़्यादा गोल्ड डिजर्व कहाँ पे, जमुई में हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द डाइव बिहार नो सिल्क सिटी, भागलपुर हो जाएगा। फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ बिहार कौन सा है, 51.50 हो जाएगा, और यहाँ पे इसमें आ जाती है जाइए तो चीफ हेवनली बॉडी कौन सा, सन हो जाएगा, सौरमंडल का सन। विच एलिमेंट इज अबाउट अबंडन इन द फॉर्मेशन इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ में मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये लगाया निकल से फेरम लगाया, फिर जो है फिर मैंने उसको काट के सेरम अलमिनियम लगा दिया, सिल्का अलमिनियम, तो ये लगा दिया। अब मैंने हिंदी में देखा था नीफे लिखा हुआ है, हिंदी में देखिए साफ यहाँ पे नीफे लिखा हुआ है, तो
हिंदी में नीफे लगा तो यहाँ पे रहता तो मैं आराम से इसमें ज़्यादा नीफे के ज़्यादा जा सकता था, लेकिन मैं तो कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया तो इसलिए मैंने इसको काट कर ये कर दिया ऑप्शन सी, तो जो कि मेरा ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए एग्जाम में, याद रखिएगा। वही फॉलिंग देखिए, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन जो है डेविस ने दिया था, ये मेरे को पता था, पता नहीं कोबर क्यों लगा दिया मैंने। समझ सकते हैं डेविस साइकिल बहुत ही फेमस था ज्योग्राफी में, तो यहाँ पे हो जाएगा। इन विच हेमिस्फीयर रोरिंग 40 आता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सरगासो सागर जो है नॉर्थ अटलांटिक का है, नॉर्थ अटलांटिक में आपको जो ये PPYQ का ही हो। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान में बहुत गर्म वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं जो है किसी भी बाधाओं के पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। एक खान सर का जो है एक वीडियो आएगा आपका, तो उसी में उन्होंने एक छोटे से क्लिप में बताया था कि उन्होंने बताया था कि क्या था यहाँ पे आपका राजस्थान है, यहाँ से हवा अरावली जो है सीधा ऐसे इस टाइप के, अरावली ऐसी है, तो इस टाइप का जो है आपका यहाँ पे जो है हवा का बैरियर नहीं मिल पाता है, तो इसलिए यहाँ पे हवाएं सीधे पार कर जाती है अरावली को, और फिर जो है उत्तराखंड में पहुँचती है, उत्तराखंड में बैरियर मिलता है, वहाँ पर धड़ाम धड़ाम बारिश होता है। तो वो चीज़ें मेरे को याद था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहाँ पे हवाएं उठ नहीं पाती है राजस्थान में, किसी भी बाधाओं की वजह से उठ नहीं पाती, तो इसी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपका, ऑप्शन ई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो भारत में बाघ जो 1973 में हो गया, सही बात है, तीनों स्टेट में यहाँ पे करेक्ट है बाघ के बारे में, तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करेवा, करेवा जो है कहाँ पे हो जाएगा आपका, केसर, करेवा किसके लिए फेमस है, केसर के लिए, नाम से याद है कवेरा केसर, करेवा के। भारत में कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो थोरियम जो है केरल हो जाएगा, थोरियम केरल हो जाएगा। सरगासो सी ये पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडियन चाइना कॉल्ड, तो मैकमोहन लाइन हो जाएगा, मैकमोहन लाइन। राजस्थान जो है वेरी लिटिल रेन बिकॉज द विंड डू नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर टू कॉज नेसेसरी अपलिफ्ट ऑफ द कूल एयर, तो ठीक है अपलिफ्ट नहीं हो पाता है हवा का, इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है। फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पे तीन पॉइंट में कौन कौन सा सही है, तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर विच कल्टीवेशन करेवा इज फेमस, करेवा जो फेमस है सैफ्रन के लिए फेमस है, केसर के लिए फेमस है। और विच स्टेट इन इंडिया हैज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम, तो केरला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरला। और ये जो है आपका यहाँ पे ये मैंने देखिए कैसा कैसा किया था, और ये जो है अब फिर से बता दूँ कि BPSC के जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है आज रात में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और सुबह में आपको आंसर चेक आपको सबमिट करना है, तो जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए, 13,000 के पास लोग मेंबर हैं, वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे, आप भी जल्दी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो ये था, अब यहाँ पे मैं कुछ एनालिसिस बता देता हूँ कि क्या हो सकता है, क्या होना था। तो याद रखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप 5%, याद रखिए ये फॉर्मूला को, मैं भी यही कह रहा हूँ, आप 5% सिली मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है, 5% से ज़्यादा नहीं, यानी 5 से 7 क्वेश्चन आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, डाउटफुल आप टुक्का कितना पढ़ेंगे, देखिए 5% देखिए यहाँ पे आप 5% आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, 10% आप टुक्का मार सकते हैं, ठीक है, 10% आप टुक्का मार सकते हैं। यहाँ पे टुक्का मतलब जो 1 और 2 के बीच में, मान लीजिए हमको 1 और 2 में ऑप्शन में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे टुक्का लगा सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे टुक्का लगा सकते हैं। और तीसरा होता है बाकी, यहाँ पे तो निगेटिव था नहीं, तो निगेटिव नहीं था तो आप कुछ भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा दिमाग से, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे आज का सेशन, जो बहुत अच्छा था, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा लिटिल बिट टफ था, मॉडरेट से टफ कहेंगे इसको, थोड़ा लिटिल बिट टफ था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। जो भी आपको डाउट हो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो भी आपको डाउट हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।